मुरादाबाद में 2 दिन पूर्व हुई जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। आप पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता आज मृतक की बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वार्ड बॉय को जबरदस्ती कोरोना वैक्सीनेशन की बात कहने लगे। नेताजी के साथ उनके दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुरादाबाद में 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल के वार्ड बॉय महिपाल सिंह की संदिग्ध मौत के बाद मचे हड़कंप से कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठने लगे थे। हालांकि जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड बॉय का एक डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया तो उनकी मौत हार्ट अटैक से होना सामने आई। दरअसल वार्ड बॉय को 16 जनवरी को अन्य स्टाफ के साथ कोरोना वैक्सीन लगी थी। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह आज मृतक वार्ड बॉय की बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और राजनीति शुरू कर दी। नेताजी ने कैमरों के सामने ही वैक्सीनेशन पर सवालिय निशान लगाते हुए कहा कि महिपाल सिंह को जबरदस्ती कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी जिसके चलते उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन नेताजी अपने ही बयानों में फंसते चले गए। जब उनसे सवाल किया गया क्या इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी है, तो नेताजी ने सफाई देनी शुरू कर दी। सामने रूबरू हूं और हमारे आने का मकसद सिर्फ एक है कि जो स्वास्थ्य कर्मी महिपाल की जो कोरोना वैक्सीनेशन से जो डेथ हुई है उसमें उसका पूरा परिवार परेशान है। उनकी बेटी, उनकी बहू और उसी की बेटे यहाँ पीछे रो रहे हैं और उनकी केवल एक ही मांग है कि अगर वैक्सीनेशन से पहले हमारे फादर का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाता वैक्सीनेशन से पहले तो हमारे फादर की जान नहीं जाती। तो क्या सीएमओ और सीएमएस इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई? एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की जा सकती है तो आम आदमी के साथ, सामान्य लोगों के साथ कितनी बड़ी लापरवाहियाँ पूरे हिंदुस्तान में हो रही हुई। मेरा अपना मानना है कि सरकार इसको गंभीरता से ले और इस मृतक परिवार से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में समायोजित करे और इनके परिवार को दिल्ली की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए जिससे इस परिवार का आने वाले समय में भरण पोषण उचित प्रकार से हो सके। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का जो है रेजिस्टेंस पावर अपनी अपनी अलग अलग होती है। बॉडी अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, केवल इस ग्राउंड पे आप सबका वैक्सीनेशन कर देंगे कि एक बार में आपने जो है स्वास्थ्य कर्मियों को ले लिया, अगली बार आपने कह देंगे इस विभाग के कर्मचारियों को कर देंगे, इसके बाद आप कह देंगे कचहरी के कर्मचारियों को कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि आप ये टेस्ट कीजिए जो कर्मचारी जो है आपकी वैक्सीनेशन में सफल सिद्ध परीक्षण में सही सिद्ध उतरे उसका आप वैक्सीनेशन कीजिए, बाद बाकी आप मत कीजिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसे बहुत हमारे साथी जान गंवा बैठेंगे और हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। वो अध्यक्ष जी जो पीएम रिपोर्ट आई है कि आप पार्टी पीएम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं, डॉक्टर विश्वास नहीं करती नहीं, आम आदमी पार्टी वैक्सीनेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही है, पीएम रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही है। केवल क्वेश्चन मार्क इस बात पे है कि आपने परीक्षण क्यों नहीं किया? आपने अगर वो बीमार थे तो आपने क्या बीमार को वैक्सीनेशन कर देंगे? आप इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार व्यक्ति चाहे वो सीएमएस हो, चाहे सीएमओ या और कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर कोई आप बीमार व्यक्ति को जो मरण हालत में पहले से है और अगर आप उसे वैक्सीनेशन दे देंगे और उसकी डेथ हो जाती तो जिम्मेदार कौन होगा भाई? तो दवाई पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क आपकी कार्यशैली पे, आपने जो गलत तरीके से उनको वैक्सीनेशन किया उसकी हम जो है निंदा करते हैं। एक सवाल और था मेरा, ये किसने कहा है कि उनको जबरदस्ती वैक्सीनेशन किया गया? ये आप पार्टी से किसने कहा? नहीं, आम आदमी पार्टी से नहीं कहा, आप उनके पूरा परिवार कल हम मिले थे, अभी पीछे खड़े हैं, आप बात कर लीजिए। पूरा परिवार ये कह रहा है कि मेरे फादर वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, जबरदस्ती उनको रोक करके वैक्सीनेशन कराने के लिए धमकाया गया, बोले तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी और अन्यथा किसी वैक्सीनेशन कराइए। तो और वो छुट्टी पे थे, आप इस बात की पुष्टि उनके परिवार से कर लीजिए। तो मतलब आम आदमी पार्टी परिवार को लेकर के कहाँ पहुंची कलेक्टर? नहीं, कलेक्टर डीएम साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि आने और किसी कर्मचारी या और किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मतलब इस तरीके की घटनाक्रम ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को आम आदमी पार्टी लेकर आई है? नहीं, वो लेकर नहीं आई, हम वो उन्होंने हमें संपर्क किया और बोले साहब हमारे साथ ये दिक्कत है, उनकी परेशानी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हमारा कोई राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है, ना हम कभी ऐसी चीज़ों पर राजनीति करेंगे भविष्य में, ना आज कर रहे हैं, केवल उस परिवार की पीड़ा के साथ उस दर्द में शरीक हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले। क्या 2022 की तरफ देख रहे हैं क्या हम पार्टी? मैंने बताया ना, मैं राजनीति की पार्टी है नहीं राजनीति, मैं 2022 का प्रकरण अलग है, 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है,
स्वास्थ्य शिक्षा सब बेहाल है। तो हम चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी अपने आप में सक्षम है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हम 2022 में अन्य पार्टियों का सुबड़ा साफ करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आज हम केवल इस परिवार के दर्द के साथ शामिल हैं और उस परिवार के लिए आए हैं केवल। मेरा एक सवाल रह गया, पीड़ित परिवार को आप आम आदमी पार्टी लेकर आइए कि पहले से यहाँ मौजूद है, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी पहले से यहाँ पे मौजूद थी, पीड़ित परिवार बाद में आया और ना हम पीड़ित परिवार को लेके आए, इसकी पुष्टि आप खुद कर सकते हैं।